बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग माल्टा में कर रहे थे और माल्टा का शूटिंग शेड्यूल खत्म कर सलमान खान वापस मुंबई लौट चुके हैं और बताया जा रहा है कि माल्टा का लोकेशन खत्म होने के बाद अब फिल्म भारत की कास्ट एंड क्रू अबू धाबी के लिए जाएगी और अबू धाबी में फिल्म भारत की शूटिंग अब की होने वाली है। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा अपनी आने वाली फिल्म सुई धागा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, अपनी इस फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, अभी कुछ दिनों पहले इस फिल्म का ट्रेलर आया था, इसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और इसी कड़ी में फिल्म सुई धागा का पहला गाना रिलीज हो चुका है जिसके बोल है चाव लगा। इस गाने को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साल 2018 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के अलावा अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा साना शेख नजर आने वाले हैं। इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसे जानकर आप भी कह देंगे कि ये फिल्म साल 2018 की सबसे बड़ी फिल्म होगी। आपको बताते चले, यशराज फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक साथ रिलीज करेंगे। बताया जा रहा है इस फिल्म को सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। ये भी आ रही है कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 3D और IMAX में भी रिलीज किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साल 2018 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। प्रदीप शर्मा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म हंटर की शूटिंग इन दिनों मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में जोर शोरों से चल रही है और आपको बताते चले फिल्म हंटर में सैफ अली खान नागा साधु का किरदार निभाने वाले हैं। जब से ये खबर आई थी कि फिल्म हंटर में सैफ अली खान का नागा साधु वाला लुक होने वाला है तब से दर्शक भी उनके इस लुक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे थे। लेकिन इसी बीच फिल्म हंटर से नागा साधु वाला लुक सैफ अली खान का वायरल हो चुका है जो कि काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा भयानक लग रहा है। आपको बताते चले फिल्म हंटर में सैफ अली खान एक नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान साल 2019 में बड़ा धमाका करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमिर खान ओशो बायोपिक करेंगे और इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी डिटेल सामने आई है। वो डिटेल ये है कि ओशो बायोपिक में अब आलिया भट्ट को कास्ट किया जा सकता है। आलिया भट्ट इस फिल्म में आनंद शीला का किरदार निभाती नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि आमिर खान ओशो बायोपिक के लिए अभी से लुक टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल 2019 तक इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।